नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपकी अपनी क्लास इंग्लिश सूत्रा, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि भाई इस तरह की समस्या है थोड़ी। तो एक बार फिर से हम अपनी चीज़ों को, अपनी श्रृंखला को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और देखिए, इस बार जो हम चीज़ आपके सामने लेकर आए हैं, जिस टॉपिक को हम आपके सामने लेकर आए हैं, या हमने जिस विषय को आपके सामने लाने की कोशिश की है, वो है बेसिकली एनवायरनमेंट या पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन के या एनवायरनमेंट के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, यानी कि जो लगातार किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं या लगातार पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हमने आज थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में हमने चीज़ों को आज समझाने की, आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो आई होप आप चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि अब तक हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को कर रहे थे MCQ टाइप में, लेकिन क्योंकि अब बच्चों का कहना था कि सर समय कम है और थोड़ा सा बहुत तेज़ी के साथ थोड़ा सा चीज़ों को लेकर चला जाए, तो हमने थोड़ा तेज़ी के साथ चीज़ों को करने की कोशिश की है। और इसी क्रम में हम आज डायरेक्ट एक तरह से कह दीजिए कि क्वेश्चन और आंसर आपके सामने, दोनों एक साथ हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए, आज हम एनवायरनमेंट स्पेशल की जो आपकी जो क्लास है उसको हम शुरू करते हैं, चीज़ों को लेकर आपके सामने चलते हैं। तो देखिए, आज हम जिस फॉर्मेट के साथ आपके सामने हैं वो है बेसिकली चीज़ों को समझने और समझाने का, बताने का एक बिल्कुल डिफरेंट वे, यानी कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना नहीं है, केवल समझना और देखना है। जो चीज़ आपको ऐसा लगे कि हमारे काम के लिए है या हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो ये सीरीज़ है आज, इसको हम थोड़ा सा रैपिड फायर भी बोल सकते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ हम इसको करेंगे। और इसमें जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो चीज़ आपके मतलब की है, हालांकि मतलब की तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लगातार, क्योंकि ये कुछ कलेक्शन है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस का जो लगातार पूछे गए हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम कब बना? और यदि आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने यदि टेट या सुपर टेट वगैरह एग्ज़ाम दिए हैं, सीटेट, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये कई बार पुटअप हुआ है कई एग्ज़ाम में, इवन UPSC और सिविल सर्विसेज में भी कई बार पुटअप हो चुका है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट कब बना। तो देखिए, ये हुआ 1980 में। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पास हुआ था, तो किस वर्ष बना? तो भैया, ये हमारा आंसर है 1980। तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया 1980 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण क्या है, तो देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, तो इसी चीज़ को हम समझाने की बात या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर क्या करता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा डीप में ना जाकर बहुत बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये हमने अमूमन देखा है चीज़ों से, जैसे स्टूडेंट से या कैंडिडेट से बात हुई, आप लोग भी समझेंगे चीज़ों को, कि हम लोग बहुत गहराई में बहुत डीप में चले जाते हैं और उस कंडीशन में हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ी पीछे छूट जाती हैं या वो हमारी कमज़ोर रह जाती हैं। तो हम उन चीज़ों को बिल्कुल मतलब वीक या कमज़ोर नहीं रहने देंगे, प्रॉपर बहुत तरीके से करेंगे। तो इसीलिए बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं हमने उन पर फोकस करने की कोशिश की है। तो देखिए, तो कंडीशन क्या है, तो क्वेश्चन है एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है। तो देखिए, पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण ये है कि हमारे चारों ओर का वातावरण, हमारे चारों ओर जो भी हमारे सराउंडिंग जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी वातावरण, जो भी पर्यावरण है, जो कि हमें वे अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, यानी कि जो हमें और अन्य जीवों को, यानी कि जो हमें भी और जो दूसरे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन सबको क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है, वही क्या है, वही हमारा पर्यावरण है। हमारे सराउंडिंग, हमारे चारों ओर जिस भी प्रकार का कोई भी जो वातावरण है, जिस तरह का भी क्लाइमेट है, जिस तरह की भी ज्योग्राफी है, जिस तरह का भी मौसम है, तो ये सब यानी कि हमारे चारों ओर का जो परिवेश है, उस परिवेश को ही हम क्या कह देते हैं, उस परिवेश को ही हम पर्यावरण कह देते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया, अगला क्वेश्चन क्या होता है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है। तो मेरा मानना ये है कि हम आप में से जिन लोगों ने हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू आप लोग देख रहे हैं, तो
उनको याद होगा कि हमने एनवायरनमेंट टेररिस्ट या पर्यावरण संकट बताया था किस वृक्ष को, तो किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है, तो देखिए किस वृक्ष को, तो यूकेलिप्टिस का जो ये पौधा है, यूकेलिप्टिस का जो पेड़ है, इसको पर्यावरण संकट माना गया है। दूसरी बात है कि भाई इसको ही पर्यावरण संकट कह दीजिए, या इसको हम पर्यावरण संकट के साथ साथ क्या कह सकते हैं, इसको पर्यावरण संकट के साथ साथ पारिस्थितिक आतंकवादी, ठीक, तो पारिस्थितिक आतंकवादी भी इसको कहा गया है। ठीक, पारिस्थितिक आतंकवादी क्यों कहा गया है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि भी पारिस्थितिक आतंकवादी क्यों कहा गया है, तो जानिए इसको कि पारिस्थितिक आतंकवादी क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जहाँ भी ये लगाया गया है वहाँ पर, क्योंकि इसका पानी वाटर एब्जॉर्प्शन पावर इसको बहुत ज़्यादा होती है, ये पानी अवशोषण की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है, या ये कह दीजिए कि इसको जीवित रहने के लिए, इसको जिंदा रहने के लिए पानी बहुत चाहिए। अमूमन माना गया है कि भाई आमतौर पर 7 से 10 लीटर एक दिन में पानी इसको चाहिए, और जिस समय भारत सरकार ने अपना वानिकी प्रोग्राम चलाया था, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, तो उसमें यूकेलिप्टिस के पेड़ पौधे लगाए गए थे, और भारत में जहाँ जहाँ यूकेलिप्टिस का पेड़ लगाया गया या पौधा लगाया गया, वहाँ वहाँ आगे चलकर जल संकट, वाटर क्राइसिस हुआ, और वाटर क्राइसिस पर रिसर्च की गई, तो उसमें निकल के आया कि भैया ये जो यूकेलिप्टिस का जो पेड़ है, ये पौधा है, इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, और जहाँ जहाँ ये लगा है वहाँ इसने वाटर लेवल को क्या कर दिया है, बहुत डाउन कर दिया है। तो इस कंडीशन में भारत सरकार ने फिर सामाजिक वानिकी प्रोग्राम में इसको बैन कर दिया, और आजकल भारत सरकार का जो वन विभाग है वो अब छायादार पेड़ लगाता है, ना कि ये यूकेलिप्टिस का पेड़ लगाता है। दूसरी बात है, हमने अपने लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया भी था कि ये जो यूकेलिप्टिस है ये कहाँ से लाया गया है, ये मूल रूप से कहाँ का है, तो मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का है। ये कहाँ से लाया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। क्लियर, चलिए तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिक आतंकवादी या पर्यावरणीय संकट किस पौधे को कहा गया है, किस पेड़ को कहा गया है, तो यूकेलिप्टिस को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, अगला क्वेश्चन क्या होता है हमारा, तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैसें, यानी कि सीधी बात है कि ओजोन को सबसे ज़्यादा हार्म कौन सी गैस पहुँचाती हैं, ओजोन के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी गैसें हैं, जो हमारी ओजोन लेयर है, तो ओजोन के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक गैसें हैं, तो ओजोन को सबसे ज़्यादा क्षय यानी कि नुकसान पहुंचाने वाली गैसेज हैं, तो सी एफ सी मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये ओजोन लेयर को क्या पहुँचाती है, ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल हैं, ओजोन लेयर में जो होल हुआ है, जो छेद हुआ है, वो इन्हीं गैसेज के एमिशन के कारण, इन्हीं गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण जो ओजोन लेयर है उसमें ये छेद हुआ है। तो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें हैं कौन कौन सी हैं, तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें, और ये किससे निकलती हैं, ये हमारा जो एसी होता है घरों में या जो फ्रिज होता है उससे निकलती हैं, इसके अलावा जो हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा जो हमारे इस प्रकार के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनसे ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की ये जो गैसेज हैं वो निकलती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए अब बात आती है अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। ठीक, पर्यावरण का रक्षा कवच तो पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा गया है भैया, तो ओजोन लेयर को। तो ओजोन लेयर क्या है, बेसिकली ये पर्यावरण की रक्षा करती है, तो इसलिए रक्षा कवच है। ओजोन लेयर यदि ना हो तो क्या होगा, तो पृथ्वी पर जो आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर क्या कर सकती हैं, वो पृथ्वी पर नुकसान पहुंचा सकती हैं इंसानों के लिए या मतलब जीवधारियों के लिए, और उस कंडीशन में ये होगा कि उस कंडीशन में यदि उनको ओजोन लेयर यदि उनको ओजोन गैस यदि उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वो क्या होगा, वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर आएंगी और समस्त जीवधारियों पर उसका नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट जो है डालेंगी। और इस कंडीशन में यदि ओजोन लेयर ना हो तो उस कंडीशन में जब ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है पराबैंगनी किरणें सूर्य से आने वाली, जब सीधे अगर ओजोन लेयर को हटा दीजिए और सीधे अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने दीजिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में होगा ये कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा यदि कोई
डिजीज़ फैलेगी तो वो होगी स्किन से रिलेटेड डिजीज़, त्वचा संबंधी बीमारियां, त्वचा संबंधी रोग, स्किन रिलेटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। क्लियर? तो इसलिए पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है किसको? ओजोन परत को, ओजोन लेयर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है भैया? यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित जो कानून है वो कब बनाया गया? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना है? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना है 1986 में। कब? तो 1986 में। ये क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है इसलिए हमने इसको रखा है आपके सामने। ये क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है? 1986 में। क्लियर? तो देखिए इसी तरह की जो बेसिक क्वेश्चन है वही लगातार आपसे पूछे जाएंगे, वही घूम फिर के आते हैं, वही बार बार रिपीटेड होते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ हैं, तो इनको स्पेशली ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, वाटर कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा वाटर कंजर्वेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वाटर कंजर्वेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। ये आजकल कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। कारण क्या है? कारण इसके इम्पॉर्टेंट होने का पहली बात तो ये है कि आप लोग याद रखिए कि भारत में एक भारत सरकार ने जब 2019 में मोदी जी दोबारा चुन के आए हैं तो एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है, और जल शक्ति मंत्रालय बना है लेकिन उसके साथ साथ भारत में एक प्रोग्राम और शुरू किया गया, हर घर जल योजना। तो हर घर जल योजना या हर घर पेयजल योजना, इस तरह की जो स्कीम है, तो वो सारी जल शक्ति मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर जो है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर से वो सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर से वो जो सारी चीज़ें वो चलाई जा रही हैं, तो उस कंडीशन में ये है कि भाई जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सी योजनाएँ उसके अंतर्गत चलाई जा रही हैं, तो उन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना है। तो कब बना है? 1974 में। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है ये 1974 में बना है, और ये बेसिकली पानी में या जल में होने वाले किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन को, किसी भी प्रकार के प्रदूषण को या गंदगी को बढ़ने से रोकने का कानून है। ठीक? तो इसलिए याद रखिएगा कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था, तो ये 1974 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसको शॉर्ट में लिख कर दे देता है, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक? तो इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भैया? ये है भोपाल में। और भोपाल किसकी राजधानी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को सबको जानकारी है कि भोपाल कहाँ पर है, किसकी कैपिटल है, किसकी राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वन अनुसंधान संस्थान। तो वन अनुसंधान संस्थान, तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको कहा जाता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून। ठीक? तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि देखने में हमारे ये क्वेश्चन बड़े इजी लग रहे हैं कि बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमें बहुत टफ लगते हैं, बहुत जो है हमारा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, क्या कैसे है, वो सारी चीज़ें। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून, और देहरादून मतलब उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो देखिए जोरहाट में। और जोरहाट कहाँ पर है? जोरहाट है असम में। जोरहाट कहाँ पर है? तो जोरहाट असम, असम का एक शहर है जोरहाट। तो जोरहाट में है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर आपसे पूछता है वन अनुसंधान संस्थान, तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो देहरादून में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्षा वन अनुसंधान रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये है असम के जोरहाट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। वन उत्पादकता केंद्र,
तो वन उत्पादकता केंद्र यानी कि वनों से होने वाली उत्पादकता, फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी सेंटर। तो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी सेंटर कहाँ पर है? तो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी सेंटर है रांची। और रांची कहाँ पर है, किसकी राजधानी है रांची? रांची है झारखंड की कैपिटल, झारखंड की राजधानी है रांची। क्लियर। और रांची जिस पठार पर बसी हुई है, जिस पठार पर रांची शहर बसा हुआ है, उस पठार को क्या कहते हैं? उस पठार को कहा गया है, रांची जिस पठार पर बसी हुई है वो है छोटा नागपुर का पठार। ठीक, याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। रांची जिस पठार पर बसा हुआ है वो है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार जिस खनिज के लिए, जिस मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है वो जाना जाता है, वो किस लिए? छोटा नागपुर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोल रिजर्व के लिए, कोयला भंडार के लिए, या कोयले के उत्खनन के लिए, कोयला भंडार, कोल रिजर्व के लिए, कोयला भंडार या कोयला उत्खनन या कोयले की खान के लिए या कोल माइनिंग के लिए, कोल या कोल माइनिंग के लिए। क्लियर है। तो रांची वन उत्पादकता केंद्र रांची में है, रांची झारखंड, झारखंड की राजधानी जो रांची है वो छोटा नागपुर पठार पर बसी हुई है। छोटा नागपुर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, कोल रिजर्व के लिए। और को अपनी कोल रिजर्व है तो जाहिर सी बात है कि कोल माइनिंग वहाँ होगी, कोयले के वहाँ खनन होगा। चलिए अगली और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपना, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ हुई? देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट आप लोग समझ के चलिएगा कि वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम कब से, वल्चर यानी कि गिद्ध, तो गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ हुई है? तो देखिए गिद्ध संरक्षण परियोजना शुरू हुई है 2006 से। याद रखिएगा, गिद्धों के संरक्षण के लिए, गिद्धों के बचाव के लिए, क्योंकि भारत और उसके आसपास के देशों में यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारत और भारत के आसपास के देशों में जो वल्चर्स थे, जो गिद्ध थे, ये लगभग विलुप्त हो गए थे या विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। तो इसके बाद इनके संरक्षण के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, उस योजना को कहा गया है वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। और ये शुरू की गई है कब? 2006 से। और गिद्ध को एक बेसिकली विलुप्त प्रजाति मान लिया गया था। क्यों मान लिया गया था? क्योंकि ये एक पशुओं को दी जाने वाली एक पेन किलर, एक दवाई होती थी, डाइक्लोफेनिक सोडियम। तो डाइक्लोफेनिक सोडियम के प्रभाव से गिद्ध भारत और उसके आसपास के देशों में समाप्त हो गए थे। ठीक, तो डाइक्लोफेनिक सोडियम मैं लिख देता हूँ, डाइक्लोफेनिक सोडियम पशुओं को फीवर, पशुओं को दी जाने वाली दवाई कह दीजिए, वैक्सीन कह दीजिए, ठीक, दवाई। तो जिन पशुओं को बुखार वगैरह या इस तरह की या बीमार हो जाते थे जो पशु, तो उनको डाइक्लोफेनिक सोडियम नाम की ये टैबलेट जो दी जाती थी। और उसके बाद मान लीजिए उस पशु की डेथ हो गई है, गाय है या भैंस है, जो भी है उसकी डेथ हो गई है, तो उसको हमारे यहाँ पशुओं को पहले खुले में फेंक दिया जाता था। तो उस मरे हुए पशु का मांस जो है वो गिद्ध खाते थे, वल्चर्स खाते थे। और उसके बाद यदि उस जानवर के शरीर में डाइक्लोफेनिक सोडियम थी, तो उसके बाद उसके मांस को या उसके शरीर को जब वल्चर्स खाते थे, तो वो वल्चर्स, उस गिद्ध की मृत्यु लगभग 30 दिन के अंदर हो जाती थी। किस कारण से? इस दवाई के, इस टैबलेट के या इस वैक्सीन के प्रभाव के कारण। ठीक, तो पशुओं को दी जाने वाली दवाई थी ये। दूसरी बात है, इसी के प्रभाव से गिद्ध विलुप्त हो गए, इसी के प्रभाव से, इसी के प्रभाव से गिद्ध विलुप्त हो गए, भारत व उसके आसपास के देशों में गिद्ध विलुप्त हो गए। क्वेश्चन आता है कि किसके कारण भारत और उसके आसपास के देशों में गिद्ध विलुप्त हुए थे, तो डाइक्लोफेनिक सोडियम के प्रभाव के कारण ये विलुप्त हो गए थे। क्लियर है। और जब विलुप्त ज़्यादा होने लगे, तो इसके लिए फिर भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। कब? वर्ष 2006 से। और इसके बाद भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए, गिद्धों के बचाव के लिए कार्य शुरू हुआ, प्रोजेक्ट शुरू हुआ।
और अब वर्तमान में भारत में एक जगह है अचान कमार, छत्तीसगढ़ में अचान कमार एक जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वहाँ पर वो अब गिद्धों की संख्या वहाँ पर लगातार बढ़ रही है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है अचान कमार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, तो भैया टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ है, कछुओं के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ, तो भारत सरकार ने टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था 1975 में। टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया था, क्योंकि भारत में कछुओं को लगातार जो है उनको पकड़कर उनको मारा जा रहा था या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इनकी जो है स्मगलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी या बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में, तो जो तस्कर जिन्हें हम बोल देते हैं वो इनको पकड़ते थे शिकारियों के द्वारा और जो है इनको मारा जाता था कछुओं को। तरह अलग अलग तरह की दुनिया भर की अलग अलग तरह की दवाइयाँ वगैरह इनके बताया जाता है कि बनती हैं या उस तरह की, तो इनकी डिमांड थी। तो कछुओं को बचाने के लिए, टर्टल्स को बचाने के लिए भारत सरकार ने 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1975 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, बाघ संरक्षण टाइगर कंजर्वेशन या टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर। भैया इसको आप लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से शुरू हुआ था 1973 से। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था कि भारत में टाइगर्स जो थे वो टाइगर्स की संख्या बहुत कम रह गई थी, लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा उनका शिकार किया और उसके बाद टाइगर्स बहुत कम रह गए। तो भारत में टाइगर्स को बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया और इस प्रोजेक्ट टाइगर के बाद भारत में धीरे धीरे टाइगर्स की संख्या वो बढ़ने लगी और अब भारत में लगातार टाइगर्स की संख्या जो है वो बढ़ रही है। लगातार इनके जो है लिए एक स्पेसिफिक एक एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है किसी क्षेत्र को और वो टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, जहाँ पर टाइगर्स की संख्या ज़्यादा होती है तो वो उस क्षेत्र को, उस जंगल को, उस फॉरेस्ट को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो वर्तमान में भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइगर रिजर्व हैं, हालांकि भारत में सर्वाधिक जो टाइगर रिजर्व वो MP में है, मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव संरक्षण वर्ल्ड विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड ये कहाँ पर है भैया, तो ये बेसिकली कहाँ पर है, तो ये है स्विट्ज़रलैंड में। तो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी कि दुनिया भर में जो विश्व जो वन्य जीव हैं, जो वाइल्ड लाइफ जो हैं, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो फंड इकट्ठा होता है, उस फंड को कहाँ इकट्ठा किया जाता है या वो फंड कहाँ पर इकट्ठा होता है या उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्ज़रलैंड में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो 1970 में हुआ, 1987 में हुआ पहली बात, और किससे रिलेटेड है, द कंजर्वेशन ऑफ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर कंजर्वेशन से संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से है, क्योंकि लगातार ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर लगातार हार्म हो रही थी, लगातार हानि हो रही थी, लगातार नुकसान हो रहा था। तो विश्व के जागरूक देशों की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में कहा गया कि यदि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, यदि ओजोन लेयर कंजर्व नहीं की गई, यदि ओजोन की परत को यदि नहीं बचाया गया, तो आगे भविष्य में इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे और इन दुष्परिणामों को या तो होने से पहले ही रोक दिया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए किया जाए कि वे ओजोन जो लेयर है उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके बचाव के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिए जाए। तो ओजोन लेयर कंजर्वेशन के लिए जो मीटिंग हुई और जहां पर वो मीटिंग हुई उसके बाद वहां पर एक जो समझौता हुआ, वो समझौता था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल समझौता कह दीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कह दीजिए। ये कब हुआ था, 1987 में, किससे संबंधित है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब होता है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ 1992 में। ठीक,
पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन भी बोल देते हैं इसको, किससे रिलेटेड है, एंड वही आपका एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, तो रियो डी जेनेरियो। देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन हमने अभी देखा, हमने अभी जस्ट अभी देखा था कि भैया कब हुआ ये, 1992 में हुआ, और कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ, तो रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, किसका शहर है, रियो डी जेनेरियो वाज द सिटी ऑफ ब्राज़ील। ये किसका शहर है, ब्राज़ील का, और ब्राज़ील कौन सा देश है, ब्राज़ील इज ए साउथ अमेरिकन नेशन। ब्राज़ील क्या है, ब्राज़ील एक दक्षिण अमेरिकी देश है। क्लियर, और उसका सबसे बड़ा शहर है रियो। 2016 में रियो ओलंपिक भी हुए थे, जैसे 2021 में अब जो है अभी जापान में जो ओलंपिक हुए थे, ठीक इसी तरह से 2016 में रियो ओलंपिक हुए थे, कहाँ पर, ब्राज़ील में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू है, तो किस वर्ष से लागू है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कार्बन उत्सर्जन से रिलेटेड है। कार्बन जो एमिशन है, उस कार्बन एमिशन को डिटेक्ट करना या कट करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये 2005 से लागू हुआ है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन किस में घोषित किया गया, तो देखिए 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसे किस सम्मेलन में घोषित किया गया, यानी किस सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया, तो किस सम्मेलन में घोषित किया गया, देखिए हमारा आंसर है स्टॉकहोम सम्मेलन। देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई कब, 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में। और इसी 1972 में क्या कहा गया कि 5 जून को हम प्रतिवर्ष क्या मनाएंगे, पर्यावरण दिवस मनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंडिया में एम एस स्वामीनाथन को। ठीक, एम एस स्वामीनाथन क्या थे, ये भारत के एक वैज्ञानिक थे, इनको जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का पिता कहलाते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जबकि विश्व में हरित क्रांति के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड दैट वाज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे या वर्ल्ड ओजोन कंजर्वेशन डे, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, विश्व ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन कंजर्वेशन डे। तो विश्व ओजोन दिवस या ओजोन कंजर्वेशन डे मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष का 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव, विश्व के जो समस्त वन्य जीव हैं, वनों में रहने वाले जो वन्य जीव हैं, जो वाइल्ड लाइफ हैं, उनको रिलेटेड है, उनसे उनको डेडिकेटेड किया गया है 3 मार्च को। तो विश्व वन्य जीव दिवस उनके कंजर्वेशन से, उनके प्रोटेक्शन से, उनके संरक्षण से संबंधित है, कब होता है, 3 मार्च को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो ये इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है, आप इनको बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखिएगा, बार बार थोड़ा सा इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए फटाफट। ये मनाया जाता है 22 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जा रहा है, ये 22 मार्च को। और देखिए जरा, विश्व जल दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है 22 मार्च को, और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है कब, 22 अप्रैल को। क्लियर, तो इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, तंबाकू
फ्री टोबैको फ्री डे या इंटरनेशनल डे ऑफ टोबैको तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जा रहा है 31 मई को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 मई को देखिए, इस तरह के जो दिवस हैं, इस तरह के जो डेज हैं, ये लगातार पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोगों ने इसीलिए जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं उनको लेकर हम आपके सामने इस सीरीज़ में आए हैं और बहुत तेज़ी के साथ हम इस सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय अभी नहीं है, तो इसलिए बहुत तेज़ी के साथ हम आपके सामने इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस हमने अभी इस पर बात की, कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जा रहा है, तो ये होता है कब, ये होता है 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई 5 जून इस तरह के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं इनसे लगातार क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो इनसे इनको आप लगातार थोड़ा सा फोकस करें, इनको लगातार आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यानी कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन डे, पर्यावरण दिवस। देखिए यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है, ये है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और वो है विश्व पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण संरक्षण एनवायरनमेंट कंजर्वेशन डे, ठीक, 5 जून ये क्या होता है, ये होता है एनवायरनमेंट डे पर्यावरण दिवस, लेकिन यहाँ हमारी बात की जा रही है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये कब होगा, ये होगा 26 नवंबर को। क्लियर, 26 नवंबर, दोनों में अंतर है, पर्यावरण दिवस तो 5 जून, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण एनवायरनमेंट कंजर्वेशन डे, तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन डे तो ये आ जाएगा, इसका आंसर है हमारा 26 नवंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, नेशनल पॉल्यूशन रोकथाम, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, राष्ट्रीय नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे होता है 2 दिसंबर को। ये कई बार हाल फिलहाल में पिछले 1-2 साल में ये कई बार पुटअप हुआ है, कई बार पूछा गया है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पिछले 1-2 साल के अंदर राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ये कब मनाया गया है, ये पूछा गया कई बार, तो 2 दिसंबर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हमारा जो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो क्लियर जो एग्जैक्ट जो उसका जो प्रभाव दिखाई देगा वो प्रभाव क्या होगा, तो सीधी बात है ग्रीन हाउस का डायरेक्ट जो रिजल्ट दिखाई देगा वो क्या, वो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। सीधी बात है कि जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मतलब बड़े बड़े जो बर्फ़ के पहाड़ हैं जहाँ से नदियाँ शुरू होती हैं, जहाँ से नदियाँ निकलनी शुरू होती हैं, ग्लेशियर मतलब जो बर्फ़ के पहाड़ हैं। भैया गर्मी पड़ेगी, ठीक, गर्मी पड़ेगी, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब, ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब ये है कि भाई जो कार्बन एमिशन है, जो कार्बन की जो डेंसिटी ऑफ कार्बन इन एनवायरनमेंट, कार्बन की जो मात्रा है वो क्या होगी, कार्बन की सांद्रता जो है वो बढ़ेगी, सांद्रता कह लीजिए, मात्रा कह लीजिए, प्रतिशत कह लीजिए, डेंसिटी कह लीजिए, जो आप कहना चाहें वो समझ लीजिए, ठीक, वो बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जब कार्बन जितना ज़्यादा बढ़ेगा नेचर में, पर्यावरण में, ठीक, क्लाइमेट में जितना कार्बन बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, उतना ही जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, उतना ही वैश्विक तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, और जितना वैश्विक तापमान बढ़ेगा, जितनी तेज़ टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, उतने ही जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो क्या होंगे, बर्फ़ के पहाड़ यानी कि ग्लेशियर वो क्या होंगे, वो पिघलने लगेंगे, और पिघलेंगे तो बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ जो लगातार पिघलते चले जाएंगे, और एक समय वो आएगा कि नदियाँ वगैरह सब क्या हो जाएंगी, सब धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल देंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है भैया कोहरे के आर पार देखने में सहायक, तो कोहरा, तो जो फॉग होता है, फॉग के आसपास, फॉग को ट्रांसपेरेंटली उसके आर पार देखने के लिए कौन सी रेज यूज़ होती हैं, तो इन्फ्रारेड कोहरे के आर पार देखने में सहायक हैं, तो कोहरे के आर पार देखने में सहायक होती हैं इन्फ्रारेड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण मुख्यालय, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो देखिए ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। अब देहरादून कहाँ है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, अहमदाबाद, और अहमदाबाद मतलब गुजरात, और अहमदाबाद किस नदी पर है, तो साबरमती नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जा रहा है, इसी सीरीज़ में हमने अभी डिस्कस किया है अभी 5 मिनट पहले ही कि पर्यावरण का रक्षा कवच, तो रक्षा कवच किसको कहा गया है, तो ओजोन परत को यानी कि ओजोन लेयर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसको कहा जा रहा है, तो देखिए भविष्य का ईंधन, ठीक, फ्यूल ऑफ
फ्यूचर, तो फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसको कहा रहा है, कहा जा रहा है, तो फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसको कहा गया, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को क्या कहा जा रहा है, फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में सबसे अधिक वन, तो देखिए भारत में सबसे अधिक वन जो है, ये सबसे अधिक वन, तो सर्वाधिक वन कहाँ पर है, तो सर्वाधिक वन है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। लेकिन यदि अगर इसको, यदि अगर क्वेश्चन परसेंटेज वाइज आ जाता है तो फिर उसका क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो फिर वो मिजोरम वगैरह उसका आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा जैव विविधता, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हाईली बायोडाइवर्स एरिया, हाईली बायोडाइवर्स एरिया कौन सा होता है, कहाँ पाई जाती है, तो हाईली बायोडाइवर्स एरिया कौन सा होता है, ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, भूमध्य सागरीय जो जो वन होते हैं वो, भूमध्य सागरीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि भूमध्य सागरीय वर्षा वन, हिंदी में कहेंगे इसको भूमध्य सागरीय वर्षा वन, भूमध्य सागरीय वर्षा वन, सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो इन्हीं क्षेत्र में होती है। अब बात आती है कि भूमध्य सागरीय वर्षा वन कहाँ पर होते हैं, तो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर तीन लाइन हमारी क्रॉस कराई गई हैं, थ्री हाइपोथेटिकल लाइन होती हैं, तीन काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं बीच वाली होती है 0 डिग्री, इसके बाद होती है ऊपर वाली होती है कौन सी, कर्क रेखा, और नीचे वाली होती है कौन सी, मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है ऊपर वाली है, नीचे वाली जो है ये होती है मकर रेखा, ठीक। तो अब इसमें कंडीशन क्या है, तो ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक हाईली बायोडाइवर्स एरिया होता है, और ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पर सनलाइट स्ट्रेट पड़ती है, सूर्य की किरणें जहाँ पर क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। ये जो 0 डिग्री होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सनलाइट स्ट्रेट पड़ती है, सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती हैं, और जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, जिस कारण यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, 0 डिग्री के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ दोनों ओर में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब क्यों पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, वो किसी और लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सर्वाधिक जैव विविधता का केंद्र कहाँ है, या सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ, किन किस प्रकार के में पाई जाती है, तो हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा भूमध्य सागरीय वन, और इंग्लिश में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्लियर। और ये कहां पर होते हैं, ये भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। सामान्य बातचीत करने में कितनी ध्वनि का प्रयोग होता है, तो सामान्य बातचीत होती है, तो सामान्य बातचीत कितने डेसिबल में होती है, तो सामान्य बातचीत का स्तर जो होता है वो कितनी वॉल्यूम का होता है, तो कितने डेसिबल, तो डेसिबल कितने, 60 डेसिबल, यानी कि हम और कोई व्यक्ति, हम और आप यदि बात कर रहे हैं आराम आराम से, तो वो 60 डेसिबल तक की जो बातचीत है वो ईजिली है, वो नॉइज पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन में नहीं आती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, समुद्र की गहराई और सिग्नल देने में, समुद्र की गहराई नापने में सिग्नल देने में, छुपी या डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किन ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो ये होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये होती हैं कौन सी, पराश्रव्य ध्वनि तरंग। तो देखिए यहाँ इसको स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुद्र की गहराई नापने में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, पराश्रव्य तरंगों का, सिग्नल देने में पराश्रव्य तरंगों का, समुद्र में छुपी हुई या डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तरंगों का यूज होता है, पराश्रव्य तरंगों का, ठीक। और इसके अलावा जो सोनार, जो सबमरीन वगैरह होती हैं, पनडुब्बी वगैरह, तो उनमें जो सोनार सिस्टम वगैरह लगा होता है शिप पर, तो उसमें कौन सी तरंगें यूज होती हैं, तो उसमें पराश्रव्य तरंगों का ही यूज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रॉपर समझ लीजिए, ठीक। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, पृथ्वी पर आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। तो जब किसके घेरे के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, यानी कि जब सीधी सीधी बात यह है कि जो सनलाइट है वो सनलाइट पृथ्वी पर आ गई, लेकिन उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जा रही, और वापस जाने में कौन उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन उसके लिए हर्डल पैदा कर रहा है, कौन उसके लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी CO2 की परसेंटेज या डेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही क्या होगा, उतना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि जो सनलाइट है वो जो वापस नहीं जा पाएगी, तो वो वहीं पर रुक जाएगी, तो एक तरह से कह दीजिए कि ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो इसी सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, इसी सिस्टम को ग्रीन हाउस प्रभाव कह देते हैं, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाएं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के घेरे में वो घिर जाएं, या कार्बन डाइऑक्साइड के चक्कर में वो पड़ जाएं, और उस कारण वो वापस नहीं जा पाती हैं, तब इस स्थिति में जो परिस्थितियां बनती हैं तो वो कहलाती है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक को बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक का संबंध किससे, रेड डाटा बुक कौन में क्या रखा जाता है, तो देखिए विलुप्त प्रजातियों से, इसका आंसर है विलुप्त प्रजातियाँ, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं वो रेड डाटा बुक में रखी जाती हैं। और रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है, रेड डाटा बुक का संबंध है किससे, तो रेड डाटा बुक पब्लिश होती है किसके पास, IUCN के पास, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इसका रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा बुक का, रेड डाटा बुक को मेंटेन करती है कौन, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इस रेड डाटा बुक में उन प्रजातियों का, उन जीवधारियों का या उन जीवों को का रिकॉर्ड रखा जाता है जो विलुप्त होने, एंडेंजर्ड होने या विलुप्त, या तो हो चुके हैं या विलुप्त होने की स्थिति में हैं, यानी कि जो पृथ्वी पर से या तो खत्म हो चुके हैं या खत्म होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस क्या है, तो ग्रीन पीस पर्यावरण से संबंधित एक योजना है, ग्रीन पीस क्या है, पर्यावरण योजना है ग्रीन पीस, और ग्रीन पीस नाम का एक NGO भी है इंटरनेशनल लेवल पर, तो ज़्यादा उसके जो है थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र, तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र की हमने बात कर ली थी कहाँ पर है, तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र की हमने बात कर ली थी कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वर्ल्ड विश्व वन्य जीव, तो विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष हमने बताया था अभी उसके प्रतीक के रूप में किस पशु को रखा गया है, तो विश्व वन्य जीव कोष का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, लेकिन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन इसका इसका सिंबल, विश्व वन्य जीव कोष का सिंबल क्या है, इसका प्रतीक किसको माना गया है, तो पांडा को, क्योंकि पांडा क्या है, पांडा है जो है वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, विलुप्त प्रजातियों में इसको रखा गया है, तो पांडा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन महोत्सव किसने शुरू किया था, तो भारत में वन महोत्सव के जनक कौन है भैया, तो भारत में वन महोत्सव के जनक हैं वन महोत्सव, तो वन महोत्सव किसने शुरू किया था भारत में, तो KM मुंशी, तो KM मुंशी ने भारत में वन महोत्सव की शुरुआत की थी, और इन्हें भारत में वन महोत्सव का जनक भी कहा जाता है, तो KM मुंशी जनक, इनको लिख दीजिए वन महोत्सव का जनक। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताजमहल के पीले पड़ने उसके क्षरण में होने वाले मुख्य कारक क्या हैं, तो ताजमहल का पीले पड़ने का कारण और उसका नुकसान होने का कारण क्या है, तो उसका कारण है एसिड रेन, तो क्या एसिड रेन, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वगैरह जो है ये सब मिलकर क्या करती हैं, ये सब एसिड रेन के कारण ताजमहल क्या हुआ, जो वाइट था संगमरमर वो क्या हो गया, वो पीला पड़ गया, और जो पीला पड़ने लगा उसके कारण क्या होने लगा है, वो जो पत्थर है, जो स्टोन है, वो क्या होने लगा, वो गलने लगा है। ठीक, तो एसिड रेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो क्या है आंसर, तो आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना, 78% नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में पाई जाती है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, पृथ्वी पर CFC का यूज़, पृथ्वी पर भूतल यानी कि पृथ्वी पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है, यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेज हैं जो ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल हैं या ओजोन गैस के लिए हार्मफुल हैं, उनका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, तो देखिए डिस्पेंसर में, वातानुकूलन यानी कि AC में, फ्रिज में, हेयर स्प्रे में, शेविंग क्रीम में, और अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, यानी कि जितने भी जो एक तरह से कह दीजिए जो लग्जरियस आइटम हैं, जो विभिन्न प्रकार के लग्जरियस आइटम हैं जो दैनिक रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं, जैसे AC, फ्रिज, कूलर, AC, फ्रिज और हेयर ड्रायर वगैरह, और आपके जो अदर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में ज़्यादातर क्या है, उन सब से निकलती हैं CFC गैसेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है केन्या के नैरोबे में। ठीक, और केन्या कहाँ का देश है, केन्या एक अफ्रीकन कंट्री है, केन्या क्या है, अफ्रीकन नेशन, केन्या इज ए अफ्रीकन नेशन, केन्या क्या है, अफ्रीका का एक देश है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, तो भैया देखिए कौन सा राज्य टाइगर राज्य, टाइगर स्टेट किसको कहा गया है भारत के, तो टाइगर स्टेट कहा जाता है किसको, टाइगर स्टेट कहा गया है MP को, मध्य प्रदेश को। क्लियर, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च सेंटर, ठीक, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, तो नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, नेशनल एनवायरनमेंट NERI इसको बोल देते हैं, तो ये कहाँ पर है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र के नागपुर में, इसकी शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा NERI, नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला आंदोलन चिपको आंदोलन के पीछे क्या उद्देश्य था, तो भैया चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था, चिपको आंदोलन कहाँ चला, ये चलाया गया कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक। और उत्तराखंड में इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो चिपको आंदोलन क्या था, वनों की सुरक्षा या पेड़ों को कटाई से बचाना, पेड़ों को की कटाई छटाई से उनको बचाना, क्योंकि उत्तराखंड में पेड़ों को काटे जाने के बदले में जो है वहाँ पर लोगों ने पेड़ों से चिपक जाते थे उत्तराखंड में लोग, और वहाँ पर उन्होंने ये चिपको आंदोलन चलाया कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो पेड़ों को सुरक्षा से या पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उत्तराखंड में जो आंदोलन शुरू किया गया था वो था आपका ये चिपको आंदोलन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो सीधी सीधी बात है, देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 ठीक, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है, तो ये सब क्या फैलाते हैं, ये सब फैलाते हैं एयर पोल्यूशन, ठीक। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी जो अपने आप में एक प्रदूषक के रूप में कार्य करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जितनी भी धूल धुआं जितनी भी जो है अलग अलग प्रकार का जो धुआं निकलता है, चाहे वो भट्टियों से निकलता हो, चाहे वो लोगों के बीड़ी सिगरेट से निकलता हो, उन सब में क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक। और यही सब क्या फैलाते हैं, ये सब वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पैरासिटिल नाइट्रेट, तो पैरासिटिल नाइट्रेट की क्या कंडीशन है भैया, पैरासिटिल नाइट्रेट क्या है, पेन की फुल फॉर्म तो ये है पैरासिटिल नाइट्रेट, और ये बेसिकली क्या है, ये एयर पॉल्यूटेंट है, ये क्या है, ये वायु प्रदूषक एयर पॉल्यूटेंट। कभी कभी सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है तो हमें, लेकिन वो कोहरा नहीं होता, कभी कभी आप लोगों ने देखिएगा जरा, आप सर्दी आने वाली है जब देखिएगा, कभी कभी सर्दियों में कोहरा नहीं होता लेकिन एक धुंध छाई रहती है जिसमें बहुत ज़्यादा दूरी में 5-10 मीटर दूर का भी दिखाई नहीं देता, तो वो जो धुंध जो छाई रहती है लेकिन वो कोहरा नहीं होता, तो वो क्या होता है, वो होता है पेन पैराएसिटल नाइट्रेट। ये क्या होता है, इट्स ए एयर पॉल्यूटेंट, ये क्या है, ये बेसिकली एक वायु प्रदूषक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, वायुमंडल में ओजोन परत किन कारणों से रक्षा करती है हमारी, किन किरणों से, तो वायुमंडल में ओजोन लेयर हमारी रक्षा किन किरणों से करती है, तो किन किरणों से कर रही है, तो अल्ट्रावायलेट रेस से, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से, पराबैंगनी किरणों से ओजोन लेयर जो है ये क्या करती है, ये हमारी रक्षा करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है, तो जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका है, तो जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका किन गैसों की है, तो ग्रीन हाउस गैसें, ठीक, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह की मुख्य भूमिका होती है, जैसे कार्बन वगैरह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, ये है भोपाल में, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, भोपाल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है, तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान घटता है या बढ़ता है, तो देखिए मैंने अभी इसी सीरीज में पिछले 5-10 मिनट में इसको कई बार डिस्कस किया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बढ़ेगा तो पृथ्वी का तापमान घटेगा या बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी का तापमान ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये बढ़ता जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई, तो केंद्र में पर्यावरण विभाग, तो भारत सरकार ने सीधी सीधी बात है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कब बना, तो किस वर्ष की गई, तो 1980 में, तो पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई भारत सरकार के द्वारा, तो 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या भैया, देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये है बेंगलोर में, कहाँ पर, बेंगलोर मतलब कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो शॉर्ट में बोल देते हैं BOD, ये किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है, तो ये जल प्रदूषण के लिए होती है, वाटर पोल्यूशन को यदि मेज़र करना है, वाटर पोल्यूशन का जो मेज़रमेंट किया जाता है वो BOD से किया जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, यानी कि जल में किसी एक पर्टिकुलर मात्रा में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है इसका टेस्ट करने के लिए BOD टेस्ट होता है, शॉर्ट में इसको BOD बोल देते हैं। BOD टेस्ट किससे संबंधित है, इस तरह से भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि BOD किससे संबंधित होता है, तो वाटर पॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए, जल प्रदूषण को नापने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व वानिकी दिवस, तो देखिए
देखिए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब? 21 मार्च को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर से। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है वन होना चाहिए, यानी कि कितने परसेंट एरिया पर टोटल लैंड के, यानी कि मान लीजिए स्टेट है भारत है, तो कितने परसेंट क्षेत्र पर वन या फॉरेस्ट या जंगल होना चाहिए, तो कितने परसेंट पर? तो 33% क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तो कितने परसेंट? तो 33% क्षेत्रफल पर वन या जंगल होना अनिवार्य है। चलिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, कब मनाया जाता है कब नहीं मनाया जाता है, इसको पृथ्वी दिवस, जल दिवस, हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया है। सफोकेशन क्या है? देखिए अब बात आती है कि भाई सफोकेशन क्या है, तो सफोकेशन क्या है, सीधी बात है कि ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। जब भी वायुमंडल में, जब भी वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो हम कभी कभी गर्मियों में स्पेशली हम कहते हैं कि जब कहीं अचानक हम बाहर से आ रहे हों और अचानक हम लोग किसी हॉल में या कमरे में बैठते हैं या रूम में बैठते हैं, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो लगता है बहुत सफोकेशन है। तो सफोकेशन मतलब कि भाई ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर कुछ एक विशेष समय में हो गई है, तो वो जो एक विशेष समय में ऑक्सीजन की जो कमी किसी विशेष क्षेत्र में हो गई, तो वो कहलाती है क्या? सफोकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो भैया बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क तो आप लोगों को सब पता है कहाँ है, बहुत फेमस पार्क है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, कहाँ? लखनऊ में। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कई बार क्वेश्चन पुट अप किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ यूपी में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो देखिए हम लोग इसी तरह से, आप लोग बताइएगा जरूर कि कैसे हम लोगों का ये प्रयास, आपका ये रैपिड फायर एक तरह से था, तो आप लोग बताइएगा जरूर कि किस तरह से चीज़ें रहीं, किस तरह से आपको क्योंकि हम लोगों ने जो शुरुआत की है ये बिल्कुल बेसिक शुरुआतें हैं, और यहाँ से इस तरह के जो लगातार, ये वो क्वेश्चन है जो लगातार पूछे गए हैं, लगातार पुटअप हुए हैं, और हम लोगों का अब बहुत तेज़ी के साथ प्रयास है कि बहुत तेज़ी से आप लोगों का एक क्विक रिविज़न सीरीज आपकी इसी तरह की चलाई जाए, तो इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ें शुरू की हैं। और आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, और इसको आज हम यहीं पर इतना ही करते हैं, इसके बाद आगे की क्लास हम नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।